हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा कोल्ड वेव पे। रिसेंटली आपने अगर न्यूज़ में सुना हो तो कोल्ड वेव के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपको वहाँ पर कोल्ड वेव देखने को मिलती हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर हीट वेव करके भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो समर्स में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में हीट वेव देखने को मिलती है। और इस बार एक्सप्लिसिटली आईएमडी ने जांच जारी किया है कि यहाँ पर कोल्ड वेव देखने को मिल रही। कोल्ड वेव क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, आईएमडी ने कौन सी डेफिनेशन दी है कोल्ड वेव की उसको देखेंगे, क्राइटेरिया क्या है कि कब हम किसी वेव को कोल्ड वेव कहेंगे, उसके बाद हम उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इससे कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Why news? So, Indian Meteorological Department has predicted a cold wave in parts of Punjab, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh. So, almost sara northern plain aapko dekhne ko milega ki yahan par cold wave exist kar rahi hai. Ab definition, ab pehla question arise hota hai ki cold wave hai hi kya? सो कोल्ड वेव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, द कोल्ड वेव कंडीशंस अकर ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन द कोल्ड एयर मास फ्रॉम द हायर लैटिट्यूड स्वीप्स ओवर द रीजन। सो आप देखेंगे कि यहां पर विंटर्स में क्योंकि हिली एरियाज में क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो वो जो कोल्ड विंड्स है, कोल्ड एयर मास है, वो ट्रैवर्स करती है ऑल ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वो जो रीजन है, वो रीजन पूरा का पूरा रीजन क्या एग्जिस्ट करता है एज अ कोल्ड वेव। सो वहां पर लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कोल्ड वेव। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोल्ड वेव पे कोई भी क्वेश्चन आता है, मेंस का क्वेश्चन आते हैं, तो आप आईएमडी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आईएमडी कैसे डिफाइन करता है कोल्ड वेव, अ कोल्ड वेव क्वालिटेटिवली एज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फेटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। अब देखिए यहां पर आईएमडी कैसे डिफाइन करता है कोल्ड वेव को, वो वेव जिसका टेम्परेचर बहुत लो है और उस टेम्परेचर की वजह से ह्यूमन बॉडी के लिए वो फेटलिटी कॉज करता है। सो दैट पर्टिकुलर वेव बिकम्स द कोल्ड वेव। ठीक है जी, सो डेफिनेशन याद हो गई कि ये हार्म करेगा, किसको हार्म करेगा, ह्यूमन बॉडी को हार्म करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कोल्ड वेव। अब देखते हैं क्राइटेरियाज क्या है जो आईएमडी ने डिफाइन किए हैं। क्राइटेरियाज वो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन्स के लिए अलग है क्राइटेरिया, ऐसे ही हिली एरियाज के लिए अलग है। यहां पर क्राइटेरिया क्या है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर, जो जैसे अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, जनरली आपकी ठंड, ज्यादा ठंड कब पड़ती है, दैट इज दिसंबर। सो दिसंबर का अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर देखेंगे पास्ट 30 ईयर्स का, तो अगर वहां पर वेरिएशन 4.5 टू 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ दैट पीरियड, देन वी डिक्लेयर इट एज अ कोल्ड वेव। और व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर लाइज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तब हम कहेंगे कि वो एक कोल्ड वेव है इन द प्लेन्स। ठीक है जी, नॉर्मल टेम्परेचर सपोजिटली दिसंबर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 12 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, 4.5 डिग्री या फिर 6.4 डिग्री से ये इस क्राइटेरिया में अगर सेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 12 डिग्रीज है और आपका टेम्परेचर गिर के 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इस ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, सो नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब क्या है कंडीशंस, वो गिर गया टेम्परेचर, कितना गिर जाए, 4.5 डिग्री से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर गिर जाए, तो हम उस वेव को क्या कह देंगे, कोल्ड वेव। इट इज फेटल टू ह्यूमन बॉडी। या फिर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो जाए तो हम कह देंगे कि कोल्ड वेव एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपने रीसेंट न्यूज देखी होगी तो दिल्ली का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम चला गया था, तो वहां पर आईएमडी ने क्या जारी कर दिया था कि कोल्ड वेव है। ऐसे ही हिली एरियाज में अगर आप देखेंगे, अगर मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो गया, तो
हम सीधा ही क्या कह देंगे कि वहां पर कोल्ड वेव एग्जिस्ट करती है, या फिर जो भी उनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे अगेन 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर गिर जाता है तो हम बोलेंगे दैट इज दी कोल्ड वेव। ठीक है जी, क्राइटेरिया सेट हो गए हैं। अगर क्राइटेरियाज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हीट वेव्स पे भी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आईएमडी ने क्या क्राइटेरिया दिया है, ऐसे ही कोल्ड वेव पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कोल्ड वेव के क्राइटेरियाज आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लेन्स के अलग और हिली एरियाज के अलग। आगे चलते हैं, कंडीशंस फेवरेबल फॉर दी कोल्ड वेव। अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोल्ड वेव जो है वो ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पहली कंडीशन है दैट इज इनफ्लो ऑफ कोल्ड एयर मास फ्रॉम दी हायर लैटिट्यूड्स। सो यहां पर क्या है, क्योंकि सर्दियों में आपको देखने को मिलेगा हिली एरियाज में बर्फबारी होती है, तो वो बर्फ गिरने की वजह से वो जो कोल्ड एयर मास क्रिएट हो जाती है, और वो कोल्ड एयर मास जब पास करती है नॉर्दर्न प्लेन से, सो वहां पर क्या लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज दी कोल्ड वेव। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू आता है फॉगी वेदर ड्यूरिंग दी डे। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर एक फॉगी डे रहता है तो वहां पर क्या है, जो सनलाइट है वो फॉग उसको क्या करने नहीं देती, एंटर करने नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है, फॉग की वजह से जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन का मतलब क्या है, सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो आपके धरती तक नहीं पहुंच पाती, उस रीजन तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर ठंड जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गिर जाता है, तब भी कोल्ड वेव हो जाएगी। थर्ड क्या है, कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट अंडर द क्लियर स्काई conditions। अगर आपका क्लियर स्काई है, अगर तो क्लाउड्स हैं तो वो तो हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना, अगर क्लियर स्काई है तो ठंडक ज्यादा हो जाएगी, कूलिंग ज्यादा हो जाएगी ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, सो यहां पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसुलेशन विल बी मोर। वाई, बिकॉज दी देर इज क्लियर स्काई conditions। सो अगर क्लियर स्काई conditions भी exist करते हैं तो कोल्ड वेव आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सो दीज आर दी conditions फेवरेबल फॉर दी कोल्ड वेव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है impacts। देखिए अगर कोल्ड वेव हो रही है तो उससे impacts क्या होंगे, वो एक important topic है। पहला आता है frost nip। देखिए frost nip का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी का कलर, फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी का कलर कहीं कहीं से रेड होता है, लेकिन वो रेडिश अब नहीं है, ब्लूइश हो चुका है। When the body color changes to blue color, then particular process or particular phenomena is known as frost nip। समझ आई बात। नेक्स्ट है दैट इज chilblains। चिलब्लेन्स तो जनरली होते ही रहते हैं, आपने देखा होगा अगर बहुत ज्यादा ठंड एग्जिस्ट करती है तो आपके जो टिप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फिंगर टिप्स हैं या फिर टो के टोज हैं आपके, वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और रेड कलर के हो जाते हैं। जब स्वेल हो जाते हैं तो आपको दर्द भी फील होता है, तो उनको बोला जाता है दैट इज चिलब्लेन्स। फ्रॉस्ट बाइट तो आपको पता ही होगा, अगर बहुत ज्यादा ठंड एग्जिस्ट करती है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, और ऐसी नौबत भी आ सकती है कि जहां पर भी आपको फ्रॉस्ट बाइट हुआ है वहां पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, सो तीन चीजें तो हमने पढ़ ली। फ्रॉस्ट निप क्या है, जब आपकी बॉडी का कलर ब्लूइश सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट है चिलब्लेन्स। चिलब्लेन्स क्या होता है, जब भी आपके टिप्स पे स्वेलिंग हो जाती है और आपके रेडिश टोज या जो फिंगर टिप्स हैं वो रेडिश टोन के हो जाते हैं, उनको बोलते हैं दैट इज चिलब्लेन्स। नेक्स्ट फ्रॉस्ट बाइट आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज फ्रॉस्ट बाइट। फोर्थ आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हाइपोथर्मिया। देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रिलिम्स में, व्हाट इज हाइपोथर्मिया। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज हाइपोथर्मिया। देखिए जब आपकी बॉडी हीट ज्यादा लूज करती है और बनाती कम है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया।
अब डेफिनेशन पढ़िए, अकर्स व्हेन द बॉडीज लूज मोर हीट देन दे प्रोड्यूस। सो प्रोड्यूस जो हीट कर रही है आपकी बॉडी वो कम कर रही है, लेकिन लूज ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हीट लूज ज्यादा कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूस कम कर। दिस इज पॉइंट नंबर वन। इसी फिनोमिना का हम बोलते हैं दैट इज हाइपोथर्मिया। सो रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड कोल्ड, अल्कोहल, फटीग एंड ओपन वूंड्स। माइल्ड हाइपोथर्मिया इज इजिली ट्रीटेड। जनरली आप आग के सामने बैठ जाइए तो आपको हाइपोथर्मिया फील नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, हीट को ले रहे हैं। जब आप एक्सटर्नली हीट को ले रहे हैं तो हाइपोथर्मिया नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को हीट पहुंचा दी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, रेडिएट ज्यादा कर रही है, मतलब लूज ज्यादा कर रही है हीट, लेकिन बना कम रही है, ठीक है। सो अगर आप एक्सटर्नली उसको हीट प्रोवाइड कर देंगे तो माइल्ड हाइपोथर्मिया ट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाए आपको तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, इट इज फेटल टू दी बॉडी। सो जनरल गाइडलाइंस जब भी आईएमडी घोषित करता है कोल्ड वेव्स, तो यहां पर हमेशा एक जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप अपनी बॉडी को लेयर्स में लेयर्स पहने, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स, 2-3 लेयर्स पहने, जिससे कि आप अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, ठीक है जी। सो हाइपोथर्मिया समझ आया। देखिए इस पे क्वेश्चन बनना एज सच, अगर आप बोलो कि यहां पर मेंस का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं, बट यहां से प्रिलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि हाइपोथर्मिया क्या है, व्हाट इज फ्रॉस्टनिप, चिलब्लेन्स क्या है, ये सारे जितने भी इंपैक्ट्स हैं ये किसके हैं, क्या ये कोल्ड वेव के हैं, क्या ये हीट वेव के हैं, तो वहां पर आपको प्रिलिम्स का क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है। सो दिस इज हाइपोथर्मिया। आगे चलते हैं, देखिए ऐसा होता ही क्यों है, जो कोल्ड वेव्स हैं नॉर्दर्न एरियाज में आपको देखने को क्यों मिलती हैं? एक तो ये कि आपके जो हिली एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी होती है, और जो कोल्ड एयर मास है वो ट्रैवल करती है पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन में, तो सारे नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलेगा कि कोल्ड वेव का एक प्रोसीजर, एक फिनोमिना हो रहा है। दूसरा, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्ट्रेंथन हो चुकी हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेंथन्ड है तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ठंड देखने को मिलेगी। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या है, ये विंड्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज इन द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन से लेकर ये कहां तक एंटर करती हैं, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स तक एंटर करती है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्नली ड्राई विंड्स, इनकी वजह से ज्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है। सो एक फिनोमिना आपको ये देखने को मिलेगा। सो आईएमडी के जब भी आप न्यूज पढ़ेंगे तो वहां पर यही बोला जाता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्ट्रेंथन हो चुकी हैं। सो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेंथन हो चुकी हैं, दैट मींस इस एरिया से, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन से जो विंड्स यहां पर ब्लो करती हैं वो स्ट्रेंथन हो चुकी हैं, और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर आपको ठंड टेम्परेचर गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। दिस इज पॉइंट नंबर वन। अब पॉइंट नंबर टू है, जब भी ला नीना होगा हमारे इंडिया के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर आपने पढ़ा हो एल नीनो, ला नीना, एनसो एज अ फिनोमिना, ये सारी फिनोमिनाज हम ज्योग्राफी में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। अब ला नीना क्या है, जो भी आपका वॉकर सेल है जब वो स्ट्रेंथन हो जाता है तो ला नीना का इफेक्ट शो होता है। That means, जब भी आपकी ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी तो सारा का सारा पानी कहां पर पाइल अप कर देगी, दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब यहां पर ज्यादा गर्म पानी, वार्मर पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर लो प्रेशर बनेगा। जब यहां पर लो प्रेशर बनेगा, दैट मीन्स सारी बारिशें, क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगी, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है तो एयर क्या करेगी, राइज करेगी, फिर कंडेंस करेगी, तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी। अगर यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो सारी बारिशें कहां पर हो जाएगी, दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा,
ऑन द अदर हैंड जो आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, जिसको आप पेरूवियन करंट बोलते हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाई प्रेशर जोन. ठीक है, सो यहां पर भी आपको ठंड देखने को मिलेगी. सो यहां पर अगर लो प्रेशर बन रहा है तो साइमल्टेनियसली इंडिया में क्या बनता है? आपका हाई प्रेशर स्ट्रेंथन हो जाता है. सो यहां पर आपको कोल्ड वेव्स देखने को मिलेंगी. अगर आपने रीसेंट न्यूज में देखा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो हमारे YouTube चैनल पे आपको डबल डिप ला नीना करके एक टॉपिक जरूर दिखाई देगा. अगर वो आपने नहीं देखा, प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला लेक्चर जरूर देखिए, डबल डिप ला नीना. वहां से आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, वॉकर सेल क्या है. अगर वो कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ये वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद जो आज कोल्ड वेव पढ़ा है हमने वो देखिए. तो वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ला नीना अगर फिनोमिना प्रेजेंट है हमारे इंडिया में क्या देखने को मिलेगा. ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, ऐसी ठंड 2017 में देखने को मिली थी, जहां पर आईएमडी ने घोषित किया था कि कोल्ड वेव आपको देखने को मिलेगी. ऐसे ही 2021 में भी आपको कोल्ड वेव देखने को मिल रही है. सो अराउंड 22 दिसंबर तक आईएमडी ने बोला है कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में कोल्ड वेव देखने को मिलेगी. सो दीज वर ऑल द इंपैक्ट्स, कैसे कोल्ड वेव जनरेट हो रही है और कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ये हमने सबने पढ़ लिया. सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ कोल्ड वेव. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.